चलिए सवाल है कि पहला सवाल है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, मतलब जो मीडियम है उसका हमको टेम्परेचर बताना है इन फंक्शन ऑफ पोजीशन। मतलब सरफेस से अगर एक साइड ऊपर जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, ये आपको बताना है। और सेकेंड सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, लिख लीजिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। यहाँ पर कोई जो है साउंड प्रोड्यूस करने वाला एक मशीन लगा है और यहाँ से साउंड हमेशा प्रोड्यूस हो रहा है, तो बताना है कि यहाँ पे जब साउंड पहुंचेगा तो उसका स्पीड कितना होगा। जब सरफेस पे साउंड का स्पीड कितना है, सी है, ठीक है। और फाइंड द टाइम वेन साउंड वेव रीचेज फ्रॉम द सरफेस टू द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो चलिए ये तीन ठो सवाल है आपको सॉल्व करना है। चलिए हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लिनियरली इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर अगर लिनियरली इंक्रीज हो रहा है तो हम उस टेम्परेचर को क्या मानेंगे। अगर कोई फंक्शन होता है वो लीनियर फंक्शन होता है तो लिखते थे एक्स प्लस बी। अगर वो फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था तो लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन टेम्परेचर जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम टेम्परेचर को लिखेंगे कितना, इस क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। समझिएगा, टेम्परेचर जो है लिनियरली इंक्रीज कर रहा है इसलिए हम टेम्परेचर को लिखेंगे टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, क्योंकि लिनियर फंक्शन है। अब देखिए कि हमको ए और बी अनोन है, ए और बी अनोन है, लेकिन ए और बी निकालने के लिए हमको दो ठो डाटा दिया हुआ है। कैसे, जब यहाँ पे हाइट जीरो होगा, माने यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो होगा, एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स जो है पोजिशन है हमारा, ठीक है, हमारा पोजिशन। तो बताइए जब एक्स जीरो होगा तो टेम्परेचर जो है हमारा टी किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स T1 के बराबर होगा, इस डाटा हमको दिया हुआ है। और जब x का वैल्यू h ऊपर हो जाएगा, x का वैल्यू जब h हो जाएगा ऊपर, तो टेम्परेचर जो है किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स T2 के। जब यहां पर हम x का वैल्यू 0 डालेंगे, x का वैल्यू 0 डालेंगे यहां पर, तो टेम्परेचर T1 जो है, T की जगह पे लिखेंगे T1 और a into 0 plus b, तो b का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, T1 के बराबर है। लेकिन जब x का वैल्यू h डालेंगे तो टेम्परेचर T2 होगा, तो T2 इज इक्वल टू ए इंटू एच प्लस बी की जगह पर कितना, ऑफ कोर्स T1, तो यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन ए हो गया। T1 को इधर लाएंगे तो T2 माइनस T1 अपॉन एच। अब ए और बी का वैल्यू पता चल गया तो हमको टेम्परेचर पता चल गया कि क्या होगा, ए ए का वैल्यू है T2 माइनस T1 अपॉन एच इंटू एक्स प्लस बी। बी क्या हमारा, बी हमारा ऑफकोर्स टेम्परेचर। पहला सवाल यही था कि टेम्परेचर फाइंड करो किसी भी एक्स डिस्टेंस दूर ऊपर इस पॉइंट पे, तो टेम्परेचर हम निकाल लें इस पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, जीरो, एक्स जीरो रखेंगे तो टेम्परेचर कितना आएगा, T1 के बराबर। अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपको यहाँ निकालना है तो एक्स के बल जगह पे एच रखेंगे तो एच एच कट जाएगा और माइनस T1 और प्लस T1 भी कैंसिल, आएगा T2, ठीक है। आपको जहाँ पे निकालना है टेम्परेचर आप वहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ गया ना, इस टेम्परेचर का काम है, इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर निकाल के रख लेते हैं। T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन H इनटू X प्लस T1। ये निकाल के रख ले रहे हैं क्योंकि काम का चीज है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा सवाल था कि बताइए हमको जो है बताना है कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी कितना होगा इस पॉइंट पे। बताइए कि वेलोसिटी जो होता है साउंड वेव का वो क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है उस सरफेस पे वो होगा गामा आर टी। टी कितना है, T1 अपॉन मोलर मास कितना है, ऑफ कोर्स एम। मोलर मास एम दिया है और गामा दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट को हम टी लिख रहे हैं, टॉप को इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टेम्परेचर T2 लिख देंगे अपॉन एम, क्योंकि टेम्परेचर हो गया है भाई T2, ठीक है। और आपको जो है यहां पर ही निकालना है हमको वेलोसिटी। बताइए कि जो सरफेस पे है वो किसके बराबर है, कोस सी के बराबर। अगर हम इक्वेशन इसको सेकेंड मान लें और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि देखिए वेलोसिटी ऑफ टॉप अपॉन कितना सी इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो गामा आर बाई एम, गामा आर बाई एम कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा T2 अपॉन T1 और उसका रूट। हमको टॉप पे वेलोसिटी पता चल गया कितना, सी इंटू अंडर रूट T2 बाई T1। ये जो है हमको टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है वेलोसिटी हमको पता चल गया कितना,
सी इंटू अंडर रूट टी टू बाई टी। क्लियर हो गया, अच्छी बात है, आगे चलते। ए क्लियर हो गया, आगे है सवाल, बताना है कि अगर यहां पर एक साउंड जो है प्रोड्यूस किया जाएगा ऐसे, तो इस साउंड को यहां पर जाने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। तो ध्यान से देखिए कि यहां से यहां तक अगर हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लिखेंगे गामा आर टी बाई एम। अच्छी बात है, गामा आर टी बाई, तो वेलोसिटी यहां पर लिखना था तो बहुत आसान था क्योंकि यहां पर टेम्परेचर दिया हुआ था, लेकिन जब नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर लिनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो जो है हम वेलोसिटी भी देख रहे हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू गामा आर और टी, यहां से एक्स डिस्टेंस ऊपर यहां पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो कितना है, टेम्परेचर था, याद कीजिए, टेम्परेचर आया था टी टू माइनस टी वन अपॉन एच इंटू एक्स प्लस टी वन, ए आया था अपॉन हमेशा मोलर मास एम, ए है। देखिए ध्यान से कि वेलोसिटी के अंदर जो है अंदर x पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग x के लिए जो है वेलोसिटी भी क्या होगा, हमेशा अलग अलग होगा, x पे डिपेंड कर रहा है। तो जो है हम इस वेलोसिटी को, वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, समझिए। एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो लिखेंगे वी डीवी बाय डीएक्स, क्या लिखेंगे, वी डीवी बाय डीएक्स। हम एक्सेलरेशन जो है निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे होगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी v dv / क्या होता है, dx होता है, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब बताइए कि एक्सेलरेशन इक्वल टू v है अंडर रूट गामा r / m इनटू t2 - t1 अपॉन h इनटू x + t1, a वाला इनटू डीवी बाई डीएक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, तो हम लिखेंगे इसके जगह पे वन बाई टू रूट एक्स, एक्स। अगर हम इसको पूरा एक्स लिखेंगे तो हम एक्स को पूरा लिख दें, ये वाला लिख दिए पूरा, बार इतना बड़ा जगह थोड़ा कम है, आप समझ जाइएगा कि ये वाला ही लिखा हुआ है नीचे। ये तो हम रूट एक्स का किए, हम चैन रूल से अंदर वाला का भी तो करना पड़ता है, अंदर वाला का करना पड़ता है। तो बताइए कि गामा आर बाई एम तो रहेगा ही, कांस्टेंट है, टी टू माइनस टी वन बाई एच का होगा ही, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, टी टू माइनस टी वन इंटू एच और गामा आर अपॉन एम। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है ये वाला आ गया, गामा आर अपॉन एम इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन एच, और एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, टी वन का जीरो होगा, सिर्फ वही बचेगा, ठीक है। ये रूट के अंदर का की है, रूट हटा दे, बताइए कि ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कैंसिल हो गया और हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया कितना, गामा आर अपॉन 2m इनटू टी2 माइनस टी1 अपॉन कितना h। ध्यान से देखिए कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बताइए यहां पे वेलोसिटी कितना होगा, ये बताना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम कोई भी तीनों फार्मूला लगा सकते हैं, तीनों फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है फार्मूला। बताइए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके थे, कितना आया था, c अंडर रूट t2 / t1 उसका होल स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी c है उसका होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है गामा r अपॉन 2m इनटू t2 माइनस t1 अपॉन कितना h इनटू s। लेकिन ए वाला फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें तो टाइम दिया ही नहीं है, हमको तो टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो ये जो है बिना मतलब के फॉर्मूला लगा के इसका कोई यूज नहीं। हम फॉर्मूला लगाएंगे ए वाला, v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था c अंडर रूट t2 / t1 बराबर इनिशियल वेलोसिटी c प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए गामा r / 2m इनटू टी टू माइनस टी वन अपॉन एच इनटू, हमको टाइम फाइंड करना है तो टाइम फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस, यहां पे लाइए इसको, तो हो जाएगा गामा आर अपॉन टू एम
इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन एच इंटू टी इज इक्वल टू सी अंडर रूट टी टू बाई टी वन माइनस वन। सी कॉमन ले लिए दोनों में, इसको इधर लाकर हमको टाइम निकालना है, तो टाइम हो जाएगा मेरे पास कितना, सी अंडर रूट टी टू बाई टी वन माइनस वन अपॉन गामा आर अपॉन टू एम इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन कितना एच। तो हमारे पास टैन का वैल्यू आ गया कितना, देखिए टू एम एच ऊपर चल जाएगा और तो हो जाएगा टू एम एच इंटू सी अपॉन गामा आर, टू एम एच अपॉन इंटू सी अपॉन गामा आर और इंटू टी टू माइनस टी वन, ये वाला नीचे रहेगा और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट टी टू बाई टी वन माइनस, ये जो है टाइम लगेगा इस वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल जो है इस तरह का हम करते हैं, ठीक है, इसी तरह का है, एक और सवाल करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सवाल है हमारा कि ये वाला सवाल आपको बना के लाना है, होमवर्क है, ठीक है। यहां पर एक सिलेंड्रिकल टनल है, सिलेंड्रिकल टनल है हमारा, ठीक है, और इसका लेंथ जो है वो एक किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, एक किलोमीटर। यहां पर जो टेम्परेचर है वो हमारा 100 केल्विन है और यहां पर टेम्परेचर जो है हमारा 900 केल्विन है। यहां पर टेम्परेचर 100 केल्विन, यहां पर टेम्परेचर 900 केल्विन और यहां पर स्पीड ऑफ साउंड जो है, यहां पर एक ट्यूनिंग फॉक लगा दिए या साउंड बनने वाला कोई मशीन लगा दिए और यहां पर जो साउंड का स्पीड है वो दिया हुआ है, ए पॉइंट ए ले रहे हैं, ए पॉइंट बी ले रहे हैं, ए पॉइंट पे वो दिया है 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट किया जाएगा और इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स तरह से वाइब्रेट होंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है इस टनल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है, अफकोर्स ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। अब इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे, होके होते 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 यहां पहुंचेंगे। सवाल है कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर सवाल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट अदर एंड, माने इस एंड पे जो है हमको साउंड का वेलोसिटी बताना है। सेकेंड सवाल है, इफ टेम्परेचर इज लीनियरली इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज लीनियरली इंक्रीज देन फाइंड, इसके अंदर जो है इस टनल के अंदर टेम्परेचर जो है इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ गैस, यहां पे टेम्परेचर कितना होगा एट फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स, यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जो है इस मीडियम का टेम्परेचर कितना होगा इस पॉइंट पे वो हमको बता। थर्ड नंबर सवाल है, फाइंड द टाइम टू रीच द साउंड वेव एंड अदर, ठीक है, जब साउंड वेव जो है यहां से चलते 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 यहां तक आएगा तो हमको बताना है कि कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए तो एक जो है सवाल आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरह का सवाल है, आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल आराम से समझिएगा। सवाल क्या है, सवाल है टू गैसेस, दो ठो गैसेस हैं,
वॉल्यूम्स आर वी वन एंड वी टू एंड अ स्पीड ऑफ साउंड वेव, अ स्पीड ऑफ साउंड वेव इन ईच गैसेस, इन ईच गैसेस आर, दोनों गैसेस के अंदर जो साउंड वेव का स्पीड है वो दिया हुआ है C1 and C2, ये दिया हुआ है। सवाल है, फाइंड ऑल इफ बोथ गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, जब दोनों गैसेस को जो है मिक्स कर दिया गया, देन फाइंड, देन फाइंड डेंसिटी ऑफ इच गैसेस, दोनों गैसेस का जो है हमको डेंसिटी बताइए। और दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है फाइंड, ठीक है ना, फाइंड यहां पर दोनों जो है वो सेम एटोमिसिटी का गैस है, सेम एटोमिसिटी का गैस है, इसका मतलब है कि उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, ठीक है, या गामा सेम है, ठीक है ना, जैसे डायटोमिक हुआ तो गामा 2-2 होगा, दोनों सेम एटोमिसिटी का गैसेस है, ठीक है। दूसरा सवाल है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन मिक्सचर ऑफ बोथ गैसेस, जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो जो मिक्सचर तैयार हुआ उसके अंदर जो है साउंड का स्पीड कितना होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए, सवाल जो है थोड़ा टफ है, आराम से ट्राई कर सकते हैं, चलिए बताते हैं, आराम से समझिएगा, क्वेश्चन को इरेज करते हैं, समझिए। सवाल है कि एक गैस है, ये भी डायटोमिक है या ट्राई मोनो एटोमिक है पॉलीएटोमिक हमको नहीं पता, सेम एटोमिसिटी के है, सेम एटोमिसिटी के है, तो इसका गामा हम गामा मान लेते हैं। एक और है गैस, ये भी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एफ है या एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा है, ठीक है। अब बताइए कि इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड C1 दिया है, इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड C2 दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों मिक्स कर दिया गया, क्या किया गया, मिक्स, दोनों मिक्स कर दिया गया। एक और पार्ट है कि इसका वॉल्यूम जो है सवाल में V1 दिया है और इसका सवाल वॉल्यूम कितना दिया है, V2 दिया है, इसका वॉल्यूम V1 दिया है, इसका वॉल्यूम V2 दिया है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के दौरान भी क्या होगा, डायटोमिक गैस और डायटोमिक गैस मिक्स करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, डायटोमिक गैस ही रहेगा, इसलिए गामा भी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जब मिक्स किया गया तो वेलोसिटी जो है मिक्सचर का साउंड के अंदर, साउंड का वेलोसिटी मिक्स जब हो गया तब कितना होगा, और सवाल है कि इसको मिक्स किया गया तो डेंसिटी कितना होगा मिक्स करने के बाद, रो कितना होगा, ठीक है, आराम से समझिए। एक बात बताइए, मान लीजिए कि इसका मास है M1, ये हम लेट किए हैं, और इसका मास है M2, ये भी हम क्या किए, लेट। हमारा आंसर सिर्फ C1, C2, V1 और V2 में आना चाहिए बस, और किसी चीज में नहीं जो सवाल में दिया हुआ है। अब बताइए कि ये दोनों मासेस को मिक्स करेंगे M1 प्लस M2, और जो मिक्सचर का मास होगा M, वो क्या होगा, बराबर होगा M1 प्लस M2 बराबर मिक्सचर का मास M मिक्स। बताइए कि M1, इसका मास क्या लिखेंगे, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी लिखेंगे रो 1 इंटू वॉल्यूम लिखेंगे V1, प्लस M2 क्या लिखेंगे, रो 2 इंटू वॉल्यूम V2 बराबर मास, मास लिखेंगे मिक्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों का, V1 प्लस V2, इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका V1 प्लस V2, इसके अंदर 1 लीटर पानी है, इसके अंदर 2 लीटर पानी है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बताइए कि रो मिक्स हमारे पास आ गया कितना, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 बाय V1 प्लस V2। लेकिन बताइए कि क्या रो 1 पता है, क्या रो 2 पता है, नहीं पता, रो 1 और रो 2 नहीं पता, लेकिन रो 1 और रो 2 निकालने के लिए हमारा स्पीड ऑफ लाइट पता है, स्पीड ऑफ
साउंड पता है, सॉरी लाइट बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड पता है। बताइए कि अगर हम C1 लिखेंगे, C1 तो C1 क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे 2 एटोमिसिटी गैसेस, और उसका गामा लिख ही देना, गामा दिया हुआ है सवाल में, क्योंकि डेंसिटी में, डेंसिटी निकालते समय जो है गामा एक बार आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी निकालते समय नहीं आएगा, ठीक है ना। C1 इक्वल टू लिखेंगे क्या होता है, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, ये होता है। तो बताइए गामा पी अपॉन रो होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो गामा पी अपॉन रो, रो वन होगा। बताइए स्क्वायर करेंगे तो C1 का स्क्वायर इक्वल टू गामा पी अपॉन रो वन, तो यहां से रो वन इक्वल टू हो जाएगा गामा पी अपॉन C1 स्क्वायर। उसी तरह C2 रो टू इक्वल टू लिखेंगे गामा पी अपॉन C2 स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है ना। रो वन को यहां पर ले गए और C1 को यहां पर ले आए, इतना क्लियर हो गया होगा। अब बताइए यहां पर कि हमको मिक्सचर का निकालना है, रो मिक्स, तो यहां पर रख दीजिए रो मिक्स आ जाएगा मेरे पास, तो रो मिक्सचर आ जाएगा रो वन कितना है, रो वन है गामा पी अपॉन C1 स्क्वायर इंटू वॉल्यूम V1 प्लस गामा पी इंटू वॉल्यूम V2 अपॉन C2 स्क्वायर अपॉन V1 प्लस V2, ये हो गया हमारा मिक्सचर का डेंसिटी, ठीक है। ये जो सवाल जो है हम आपको बताने के लिए दिए थे कि मिक्सचर की डेंसिटी होती क्या है, ठीक है, चलिए ये बता दी, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है वेलोसिटी बताना है मिक्सचर का, बता देंगे। बता देंगे आराम से समझिएगा। इरेज कर रहे हैं इसको। बताइए कि वेलोसिटी बताना है मिक्सचर का, तो वेलोसिटी इक्वल टू मिक्सचर का लिखेंगे गामा पी अपॉन रो मिक्स, ये लिखेंगे। वेलोसिटी मिक्सचर का लिखना पड़ेगा तो गामा इंटू पी अपॉन रो मिक्स। बताइए कि मिक्सचर का वेलोसिटी इक्वल टू गामा पी को ऐसे हम लेंगे, और मिक्सचर की वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं कितना, गामा पी अपॉन C1 स्क्वायर इंटू V1, ठीक है, प्लस गामा पी बाय C2 स्क्वायर इंटू V2, ये निकाल चुके हैं। देखिए गामा पी यहां पे कॉमन लेके ऊपर कट जाएगा और हमारे पास मिक्सचर की वेलोसिटी आ जाएगी कितना, इसको भी नीचे इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं, कितना आ जाएगा बताइए, अंडर रूट 1 अपॉन इसका एलसीएम हो जाएगा C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर जब कॉमन होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा C2 स्क्वायर इनटू कितना V1, ठीक है, इनटू V1 प्लस C2 स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ओ और V1 प्लस V2 लिखना भूल गए, नीचे V1 प्लस V2 भी लिखना भूल गए, V1 प्लस V2 छूट गया, सॉरी। मिक्सचर की वेलोसिटी हो जाएगी V1 प्लस V2 ऊपर चला जाएगा अपॉन इसका एलसीएम होगा C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, और यहां पे आएगा C1 स्क्वायर इनटू V1 प्लस C2 स्क्वायर इनटू V2, क्या कि C1 स्क्वायर इनटू V2 आएगा, यहां पे C2 स्क्वायर इनटू V1 आएगा, ए वाला चीज ऊपर जाएगा और C1 C2 जो है उसका रूट हो जाएगा, तो मिक्सचर की वेलोसिटी हो जाएगी C1 C2 अंडर रूट V1 प्लस V2 बाय C2 स्क्वायर V1 प्लस C1 स्क्वायर V2, ये हो गया हमारा मिक्सचर की वेलोसिटी। तो ये था थोड़ा सा टफ सवाल जो हम आप आज सिखा दिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमको पढ़ना है, तो चलिए लिखिए, हेडिंग लगाइएगा डिपेंडेंसी ऑफ साउंड वेव,
डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है इसके बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर लिखिएगा हमारा टेम्परेचर, फर्स्ट नंबर लिखिएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जो है साउंड की वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं, आराम से समझिए। जैसे हम बताए थे कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है गामा आर टी बाई एम। अभी गामा आर और एम कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट टी। देखिए कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, जब यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे टेम्परेचर जो है अगर हम चार गुना कर दिए तो वेलोसिटी जो है रूट फोर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, टू होगा, वेलोसिटी टू गुना बढ़ जाएगा। अगर वेलोसिटी जो है टेम्परेचर जो है वो नौ गुना कर दिए तो वेलोसिटी जो है वो तीन गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को सोलह गुना कर दिए तो वेलोसिटी जो है वो चार गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को चार गुना कम कर दिए, टेम्परेचर को चार गुना कम कर दिए तो वेलोसिटी जो है दो गुना क्या हो जाएगा, चार टी बाई फोर लिखेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा, वेलोसिटी दो गुना कम हो जाएगा। हमको दिख रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, घट रही है। तो साउंड की जो वेलोसिटी होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इस तरह से कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज देन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज डिक्रीज, साउंड के वेव की वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम और कैलकुलेशन करते हैं, समझिएगा। आगे बताइए कि यहां पर वेलोसिटी जो है वो हम सॉल्व किए तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, तो हम वेलोसिटी इक्वल टू के इनटू रूट टी लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं के टी का पावर 1 बाई 2। हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग लॉग बी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, लॉग के टी का पावर 1 बाई 2। अब देखिए ध्यान से कि यहां पर लॉग भी इज इक्वल टू लॉग के को लिख रहे हैं एम और टी के पावर 1 बाई 2 को मान रहे हैं एम। लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो यहां पर लिखेंगे लॉग एम, एम की जगह पर के प्लस लॉग एन, एम की जगह पर टी का पावर 1 बाई 2, पावर से गुना हो जाता है तो हमारे पास लॉग भी आ गया कितना, लॉग के प्लस 1 बाई 2 इंटू लॉग टी, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग वी का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय वी होगा, लेकिन चैन रूल से वी का करेंगे तो होगा डीवी बराबर। लॉग के जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा प्लस 1 बाय 2 इनटू लॉग टी का होगा 1 बाय टी इनटू टी का होगा डीटी, लॉग टी का हो गया 1 बाय टी और टेंपरेचर का भी करें तो कितना हो गया डीटी। तो ध्यान से देखिए कि 1 by v into dv is equal to आ गया dt 1 by 2 into dt by t, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अगर हम परसेंटेज चेंज पूछें तो परसेंटेज चेंज होगा 1 dv by v into 100 equal to 1 by 2 dt by t into 100। ध्यान से देखिए कि ये dv जो है और dt जो है छोटा चेंज है टेम्परेचर का, छोटा चेंज है टेम्परेचर का, यहाँ पे dt जो है और dv जो है अ स्मॉल चेंज है, वेरी अ स्मॉल चेंज, और अगर बहुत अ स्मॉल चेंज रहे तो इससे भी जो है हम बता सकते हैं कि कौन कितना परसेंट बढ़ जाएगा या कौन कितना परसेंट घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर को जो है हम 2% इंक्रीज कर दिए,
टेम्परेचर को अगर 2% इंक्रीज करेंगे तो ए वाला टर्म हो जाएगा 2%, 2 से 2 करके एक बार में, तो वेलोसिटी जो है 1% बढ़ जाएगा। 1% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है उसको हम 3% बढ़ा दें, ए वाला dt by t into 100% 3% के बराबर होगा, तो वेलोसिटी जो है वो 3/2 माने वेलोसिटी 1.5% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तब लगाना है जब अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हो, टेम्परेचर में काफी कम जो है चेंजिंग हो, तब लगाना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक और फॉर्म हम देखते हैं इसी तरह का। ये नोट पॉइंट वन था, इसको लिख लीजिएगा नोट पॉइंट वन। अगला नोट पॉइंट टू लिखिएगा, नोट पॉइंट टू। ठीक है, समझिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए कि 0°C पे स्पीड जो है, 0°C पे स्पीड जो है साउंड का, वो दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, उस सी के बराबर। 0°C पे जो है स्पीड दिया है 330 मीटर पर सेकेंड साउंड का। सवाल है, बताइए कि t°C पे स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, ये हमको बताना है, साउंड का स्पीड कितना होगा। आराम से समझिएगा, बताइए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है गामा आरटी बाय एम। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि वेलोसिटी एट t°C अपॉन वेलोसिटी एट 0°C, तो बताइए कि t°C के लिए जो है, t°C के लिए हम लिखेंगे अंडर रूट ऊपर गामा आर इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, t°C, डिग्री सी को केल्विन में बदलेंगे तो लिखेंगे t+273 बाई एम बाई 0°C के लिए। 0°C के लिए लिखेंगे गामा आर बाई एम इंटू टेम्परेचर। 0°C नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे 0+273 केल्विन में लिखना जरूरी है, अपॉन कितना एम, एम तो हो ही गया, गामा आर अपॉन एम कैंसिल हो गया। और बताइए कि t°C पे हमको स्पीड बताना है, t°C पे अपॉन 0°C पे स्पीड कितना दिया है, सी दिया है, इक्वल टू हो गया कितना, t+273/273, 0+273 होगा, उसका पावर 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है। बताइए कि v at t°C इक्वल टू c से मल्टीप्लाई करेंगे, t से डिवाइड करेंगे तो बनेगा t/273 और प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1। ठीक है, इतना। वेलोसिटी एट t°C इक्वल टू, देखिए ध्यान से कि a वाला टर्म जो है 1 से काफी छोटा है। हम पढ़े होंगे कि 1 प्लस x का पावर अगर n हो, 1 प्लस x का पावर n हो तो हम इसको 1 plus nx लिख सकते हैं जब x का वैल्यू बहुत ही छोटा हो, किससे, 1 से। तो यहां पे t/273 है जो काफी छोटा है, काफी छोटा है 1 से, तो हम क्या करेंगे कि 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बगल वाला के साथ करते हैं, देखिए x के साथ n मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1/2 इनटू t पहले से है 273 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1। बताइए कि वेलोसिटी एट t°C इक्वल टू हो जाएगा c इनटू 1 को पहले लिख लीजिए, t बाय कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 546 आएगा। ठीक है, यहां पर v at t°C इज इक्वल टू c1 + c प्लस c इनटू t बाय 546। आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको करते जा रहे हैं सॉल्व, समझिएगा, सॉल्व करते जा रहे हैं। तो वेलोसिटी एट t°C इक्वल टू हो गया, c के जगह पे लिखेंगे 340 प्लस c के जगह पे लिखेंगे 340 इनटू t जो टेम्परेचर है डिग्री सी में है बाय 546। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 340 नहीं दिया था, 330 दिए थे, 330 लिखे थे c के जगह पे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 330 प्लस ये आएगा 0.60 इनटू t°C, ये आ गया हमारा किसी भी t°C पे टेम्परेचर। ठीक है, और ध्यान से देखिए कि अगर हम 1°C टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 1°C बढ़ाएंगे तो यहां पे t की जगह पे 1°C आएगा, गुना होके आएगा 1, तो स्पीड जो है वो 330 प्लस 0.60, ठीक है ना, इनटू 1, और e जो है वो हो जाएगा कितना,
330.060 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए कि 0.60 मीटर पर सेकेंड एक डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिए जीरो से, तो हो जाएगा 330 प्लस 0.60 इंटू 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10/100, 10 से 10 बार में, 10 से 6 बार में, तो आएगा 336 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड का जो साउंड का जो स्पीड है वो 0.60 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम तो बोल ही रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का जो स्पीड होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आपको टेम्परेचर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का जो स्पीड होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है हमारा डेंसिटी। सेकेंड नंबर है हमारा डेंसिटी, आराम से समझिएगा। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, डेंसिटी भी लिख सकते हैं आप, प्रेशर भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहां पर हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू गामा आर टी बाय एन, इसमें तो डेंसिटी आ ही नहीं रहा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये वाला बताया है गामा पी अपॉन रो, अच्छा आर है डेंसिटी, ठीक है ना, आर। अब बताइए यहां पर कि आप एक चीज जानते हैं कि कोई भी गैस के लिए, एनी आइडियल गैस के लिए, कोई भी गैस के लिए नहीं, आइडियल गैस के लिए, ये जो डेंसिटी होता है, प्रेशर जो होता है वो रो आर टी बाई एम के बराबर होता है। ये पता है कि नहीं? नहीं भी पता है तो यहां पर आपको बता देते हैं कि P भी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, पी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ वॉल्यूम एन बाई वी इंटू आर इंटू वी। पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। बताइए कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी, क्या बन जाएगा, डेंसिटी। तो लिखेंगे डेंसिटी रो आर टी बाई एम, रो आर टी बाई एम हो गया। देखिए कि प्रेशर इक्वल टू हो गया रो आर टी बाई आगे। ध्यान से देखिए कि अगर टेम्परेचर मोलर मास सारा कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी। अब हम कह रहे हैं कि डेंसिटी बढ़ाएंगे, जब डेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डेंसिटी बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाएगा, डेंसिटी घटाने से प्रेशर घट जाएगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड मोलर मास इज कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तब जो है ऐसा कहानी होगा। अब आराम से समझिए, यहां पर हम क्या किए कि डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज कर दिए। मान लीजिए पहले डेंसिटी बढ़ा दी, इफ डेंसिटी इज इंक्रीज्ड, डेंसिटी इज इंक्रीज्ड। अगर हम डेंसिटी बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए कि नीचे वाला टर्म को बढ़ाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगा तो ठीक है वेलोसिटी घटेगा, सही बात। लेकिन जिस टर्म में डेंसिटी बढ़ रहा है उसी तरफ प्रेशर भी तो घट बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, डेंसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर घट जा रहा है, सॉरी डेंसिटी बढ़ने की वजह से यह स्पीड ऑफ साउंड जो है घट जा रहा है, साउंड का स्पीड घट जा रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए कि प्रेशर भी तो बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ने की वजह से, तो प्रेशर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। ओवरऑल जो है डेंसिटी के बढ़ाने से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन साउंड का स्पीड जो है रिमेन क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि डेंसिटी बढ़ाने से प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इस तरह से बैलेंस होता है कि वेलोसिटी रिमेन क्या रहता है, अनचेंज रहता है। तो यहां पर लिखिएगा कि इफ डेंसिटी इज इंक्रीज देन प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज, प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज एंड ओवरऑल ओवरऑल स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड वेव रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, साउंड वेव का जो स्पीड होता है वो रिमेन क्या रहता है, अनचेंज रहता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये था हमारा। एक लास्ट है हमारा थर्ड नंबर, ह्यूमिडिटी। थर्ड नंबर क्या है हमारा, अफकोर्स ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी। देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो होते हैं एयर के मॉलिक्यूल के साथ
कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं, वाटर वेपर भी पाए जाते हैं, उन कंटेनिंग वाटर वेपर को हम लोग ह्यूमिडिटी कहा जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर कंटेनिंग विथ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है, समझ गए ना, ह्यूमिडिटी। जैसे वर्षा जब होता है, पानी जब होता है तो, या बारिश होता है, तो देखे होंगे कि जो एयर होते हैं उसके साथ साथ कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं, वेपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वही जो पाया जा रहा है उसको मॉइस्ट एयर भी बोलते हैं। मॉइस्ट एयर मतलब थोड़ा सा जो बोल सकते हैं कि पानी वाला एयर, ठीक है ना, ह्यूमिड एयर है, उसको मॉइस्ट एयर कहा जाता है। अब सवाल है कि ड्राई एयर जो है, ड्राई एयर और एक मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर माने वही ह्यूमिड एयर या ह्यूमिड एयर, किसके अंदर जो है साउंड का स्पीड जो है ज्यादा होगा। सवाल ये है, ड्राई एयर के अंदर जो है स्पीड साउंड का स्पीड ज्यादा होगा कि मॉइस्ट एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा, ये सवाल है। तो इसको बताने के लिए आपको एक थोड़ा सा बात समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ड्राई एयर का ले लेते हैं, ड्राई एयर के अंदर जो होता है, सूखा हवा के अंदर जो है सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस। अगर हम इन दोनों गैसेस का अगर हम मोलर मास निकालते हैं, एवरेज मोलर मास तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास एवरेज निकालेंगे अगर मिक्सचर का, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का होता है 32, नाइट्रोजन का होता है 28/2, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 ग्राम पर मोल, इतना है, ठीक है। ड्राई एयर का, ड्राई एयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है उनको मिलाने से जो एवरेज मोलर मास बनता है वो 30 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे जो है, आगे मॉइस्ट एयर के अंदर देखते हैं। मॉइस्ट एयर के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन तो पाया जाता ही है, नाइट्रोजन तो पाया जाता है, साथ ही साथ कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं उस ह्यूमिड एयर के अंदर, तो कुछ वाटर भी H2O होगा। अगर हम इन तीनों का एवरेज निकालते हैं तो आएगा ऑक्सीजन का 32 प्लस नाइट्रोजन का आएगा 28 प्लस वाटर का 18/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। बताइए कि इसको जोड़िएगा तो आएगा 78/3 मतलब 26 ग्राम पर मोल। ध्यान से देखिए कि मॉइस्ट एयर के अंदर जो एवरेज मोलर मास है वो क्या है, ड्राई एयर के अंदर से कम है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि मोलर मास इन मॉइस्ट एयर इज लेस देन मोलर मास इन ड्राई एयर। ऑफ कोर्स एवरेज का बात हो रहा है, ये दोनों किसका बात हो रहा है, एवरेज का, एवरेज, ठीक है, एवरेज मोलर मास का बात हो रहा है। अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है गामा आर टी बाई एम। अब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा उस मीडियम के अंदर। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, यहां पे बताइए कि ड्राई एयर का मोलर मास ज्यादा है इसलिए साउंड का जो स्पीड होगा वो ड्राई एयर के अंदर क्या होगा, कम होगा। ड्राई एयर के अंदर जो है साउंड का स्पीड कम होगा क्योंकि मोलर मास उसका क्या है, ज्यादा है, जबकि मॉइस्ट एयर के अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा क्योंकि मोलर मास क्या है, कम है, ठीक है। तो यहां पे मोलर मास जो होता है कम ड्राई एयर के अंदर, तो ज्यादा होने के कारण स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाता है, इसलिए मॉइस्ट एयर के अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो साउंड का स्पीड भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि उसके मिक्सचर जो है उसके अंदर वाटर का जो अमाउंट होता है वो भी बढ़ने लगता है, टोटल एवरेज मोलर मास जो होता है घट जाता है, और इस वजह से उसका स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से साउंड का स्पीड क्या बढ़ता है, बढ़ता है। इफ ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज्ड देन स्पीड ऑफ साउंड इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो साउंड का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग देख लिए कि वेलोसिटी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है साउंड का, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे वो भी हम किए।
अगले वीडियो में जो है हम साउंड के इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए